सब्सक्राइब कीजिए आरसीएमटी को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। तो भाई लोगों, Redmi की तरफ से एक और फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है और उसका नाम है Redmi Y2। आज की वीडियो में बात करने वाले उसकी प्राइस स्पेसिफिकेशन और क्या वो फोन लेना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन की स्क्रीन की। तो इस फोन के अंदर आपको 5.99 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन 1440x720 पिक्सल का है। अगर मैं पिक्सल डेंसिटी की बात करूं तो इसकी स्क्रीन में आपको 269 PPI डेंसिटी मिल जाती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एड्रिनो GPU 506 के साथ आता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको 4GB की रैम दी गई है और फोन दो वेरिएंट में आने वाला है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। साथ ही फोन की मेमोरी को आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि इस फोन के अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। तो इस फोन में आपको डबल कैमरे दिए गए हैं रियर में, 12 MP और 5 MP। यहाँ पर 5 MP का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए काम में लिया जाएगा और 12 MP आपका मेन कैमरे की तरह काम करेगा। वहीं सेल्फी के लिए आपको इसमें 16 MP का कैमरा दिया गया है जो AI पावर्ड सेल्फी कैमरा है। फोन की लुक आपको बिल्कुल Redmi Note 5 Pro की तरह लगती है। अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो थोड़े से बैंड है, वो ऊपर से आपको ब्लैकिश नजर आते हैं अगर आप गोल्ड कलर में इस वेरिएंट को देखते हैं। तो फोन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। अगर बढ़ते हैं बैटरी की तरफ, तो इसमें आपको 3080mAh की बैटरी मिल जाती है। जी हाँ, यहाँ पर कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह का कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा या नहीं, लेकिन आपको 3080mAh की बैटरी इसमें दी गई है। वहीं प्राइस की बात करते हैं तो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है। तो बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो 12 जून से एक्सक्लूसिवली आप इसे अमेजोन और MI स्टोर या MI.com से ले पाएंगे और साथ ही कुछ स्कीम भी दिए गए हैं, जैसे एयरटेल से आप 1800 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं और एडिशनल 250GB आपको डाटा दिया जाएगा। साथ ही अगर आप ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस फोन को लेते हैं तो 500 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक, जी हाँ, आपको आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो दोस्तों, फोन तो हो गया है लॉन्च, लेकिन किस किस को मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि Redmi फोन तो अच्छे लॉन्च करता है लेकिन जो बेचने का तरीका वो सबसे घटिया है। हालांकि Redmi को पता है कि हमारे फोन की डिमांड है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम हैंडसेट जो है फ्लैश सेल में लेके आता है जिससे वो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाता है और साथ ही लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं। आई होप इस बार Redmi कुछ अलग करे और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में फोन लेके आए ताकि हर बंदे को ये फोन मिल सके। अब जैसे कि ये फोन लॉन्च हो गया है तो Redmi Note 5 Pro से हो सकता है थोड़ा सा रश कम हो जाए क्योंकि आपको 13,000 रुपए में मोस्टली वही स्पेसिफिकेशन मिल जा रही है। 4 MP का आपको उसमें कैमरा ज्यादा मिल जाता है, थोड़ी सी बैटरी ज्यादा मिल जाती है और आपको इसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा Redmi Note 5 Pro में और इस फोन में। दोस्तों, ये था Redmi Y2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर से डाल दीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।